नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ABDC नॉलेज चैनल में। आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे फास्ट इन द वर्ल्ड का। और आप लोगों ने अगर पहला पार्ट दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाया जाता है आप लोगों के लिए। तो बिना समय नष्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हु एज़ द फास्ट किंग इन द वर्ल्ड हिस्टोरी, ये आपका हो जाएगा सरगन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं रिनाइसेंस स्टार्ट फास्ट इन व्हिच कंट्री ऑफ वर्ल्ड, ये आपका इटली हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज फास्ट टुक प्लेस इन व्हिच कंट्री ऑफ वर्ल्ड, ये आपका इंग्लैंड हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं हु वाज द फास्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉज एंड इमीडिएट ओरिजिन्स ऑफ अन इवेंट्स, ये आपका थाउडिडियस हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं व्हेन वेयर एंशियंट ओलंपिक गेम हेल्ड फर्स्ट, ये आपका हो जाएगा 776 BC हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये आपका सुन वेटसेन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग हु वाज द फर्स्ट हिस्टोरियन टू यूज ट्रिपल टाइल पीरियोस्टेशन इन वर्ल्ड, ये आपका लियोनार्डो बोर्नी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं व्हिच वाज द फर्स्ट कंट्री टू एब्लॉय सेल्फ ट्रेड ऑफ वर्ल्ड, ये आपका ब्रिटेन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं व्हिच वाज द फर्स्ट नेशन टू फॉर्मली डिक्लेयर दैट बायोस्फीयर ए वाज ए हैजर्ड टू ह्यूमन हेल्थ इन वर्ल्ड, ये आपका कनाडा हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ इट्स केमिकल वेपन इन वर्ल्ड, ये अल्बेनिया हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सटेंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द फिलिस्टीन पीपल इन 2011 ऑफ वर्ल्ड, ये आपका इंडोनेशिया हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू सर्कुलेट द वर्ल्ड, ये आपका जेनी वेरेट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू गिव एवरी प्राइमरी स्कूल चाइल्ड ए लैपटॉप द वर्ल्ड, ये आपका उरुग्वे हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव ट्रांसलेटेड सॉफ्टवेयर इन वर्ल्ड, ये आपका ब्राज़ील हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू स्टॉप फूड इम्पोर्टेशन फ्रॉम जापान, ये आपका US हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय 4G इन एशिया, ये आपका इंडिया हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज पेरेंटल एलियनेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका ब्राज़ील हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू यूज पोस्ट कार्ड इन वर्ल्ड, ये आपका ऑस्ट्रिया हो जाएगा दोस्तों। और हाँ, मेरा प्रोनाउंसेशन थोड़ा आप कुछ ऐसे होता है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, आप खुद पढ़ के भी देख सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं विच वॉज द फर्स्ट कंट्री इन यूरोप टू बैन ड्राइव फ्रॉम स्मोकिंग विथ चिल्ड्रेन इन कार इन द वर्ल्ड, ये आपका वेल्स हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू बैन प्लास्टिक बैग्स ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं एशिया फर्स्ट अंडरग्राउंड हेल्थ प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं विच इज द फर्स्ट कंट्री टू एनाट ब्लू कार्ड इन वर्ल्ड, ये आपका स्पेन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं व्हिच इज़ द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू हैव सब अर्बन रेलवे सिस्टम, ये आपका लंदन हो जाएगा दोस्तों। और उसके या उसके बाद देख लेते हैं व्हिच वाज़ द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस कार्बन फ्लोर प्राइस ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका UK हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रेटिफाई एल वर्ल्ड वन ट्रीटी ऑफ वर्ल्ड, ये आपका हंगरी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख ले ये आप माफ़ कीजिएगा, ये आपका हंगरी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज न्यू लिबियन रीजन इन द वर्ल्ड, ये आपका फ्रांस हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लेज मेरिजुआना फॉर मेडिसिनिकल प्रपोज इन द वर्ल्ड, ये आपका कनाडा हो जाएगा। मेरिजुआना को लीगल बना दिए हैं मेडिसिन की प्रपोज में। उसके बाद देख लेते हैं विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू यूज सोशल मीडिया टू इंक्रीज इट्स
कंट्री इंटरनेशनल एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, ये आपका डेनमार्क हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं विच वाज द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड वेयर मेट्रो स्टार्टेड, वाज लंदन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू बैन ह्यूमन क्लोन इन द वर्ल्ड, ये आपका ब्रिटेन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं हु वाज द फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई अन एयरबस 300 इन वर्ल्ड, ये आपका डॉ बनर्जी हो जाएगा दोस्तों। ये लेटेस्ट न्यूज है, ये करंट अफेयर न्यूज है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं हु एज द फर्स्ट वुमन टू विन टेम्पलटन अवार्ड इन वर्ल्ड, ये आपका मदर टेरेसा हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव स्टेम सेल थेरेपी इन वर्ल्ड, ये आपका साउथ कोरिया हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं हु वन फर्स्ट नोबेल प्राइज फ्रॉम केमिस्ट्री, ये आपका जे एच वेंडॉर्फ ऑफ होलैंड हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग विच वाज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ द वर्ल्ड, यह आपका स्पुटनिक वाई यूएसएसआर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं विच किंग वाज द फर्स्ट रिस्ट आज योर मजेस्टी, ये आपका हेनरी वी ट्रिपल आई हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं फेबियन सोसलेज में इमर्ज फर्स्ट इन विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं व्हेन डिड द स्पेस एज ब्रिंग द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये आपका 1961 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग व्हाट वाज नेम द फर्स्ट रोमन एम्परर इन द वर्ल्ड, ये ऑगस्टस हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं नेम ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट हुआ स्लेवरी, या आपका अब्राहम लिंकन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं नेम ऑफ द पॉलिश एस्ट्रोनॉमर हु फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट मैथमेटिकली दैट द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ रोटेट अराउंड द सन, ये आपका कोपरनिकस हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं नेम ऑफ द चाइनीज फिलोसोफर हु फाउंडेड द रिलीजियन कॉन्फ्यूशियनिज्म, ये आपका कुंफुत्जुआ हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हु वाज द कॉमनली नोन ग्रीक फिजिशियन, ये आपका है हिपोक्रेटिस हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं नेम ऑफ द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हु सेड टू हैव बट अमेरिकन व्हील्स, ये आपका हेनरी फोर्ड हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाया जाता है। और आज के लिए इतना ही, जय हिंद, फिर मिलेंगे।